अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा खान और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लर्न विद आयशा। आज आयशा आपको बता रही है कि अगर कोई दाल सब्जी बच जाती है तो उससे आप एक नई डिश कैसे बना सकते हैं। रमज़ान महीना करीब है तो मैं इस बची हुई दाल से बहुत ही टेस्टी कबाब बना रही हूँ। ये कबाब आप अख्तियारी में भी बना सकते हैं। मेरे पास जो दाल है इसमें बहुत ही कम मसाले हैं, तो इसमें मैं थोड़ी सी नमक, मिर्ची और जीरा पिसा हुआ मिक्स कर रही हूँ। आप जो भी दाल सब्जी लें तो देख लें कि उसमें मसाले कितने डले हुए हैं। इसमें डाल देंगे बारीक कटा पुदीना और हरा धनिया, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। हम बच्चों के लंच बॉक्स में भी ये डिश दे सकते हैं। अगर कोई बच्चे दाल सब्जी नहीं खाते तो इस तरीके से उन्हें दाल या सब्जी की डिश बनाकर आप दें। ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, अफ्तियारी में बनाएं। और इसमें मिक्स करेंगे थोड़ी सी सूजी। अच्छे से सभी को मिक्स कर लेंगे। सूजी इतनी लेना है कि हम इसे एक अच्छा सा शेप दे दें, कोई भी शेप आप दे सकते हैं। ये मैंने सारे कबाब बना लिए हैं, अब हम इसे फ्राई करेंगे। इसे हम इस तरीके से भी फ्राई कर सकते हैं और चाहे तो इसमें तिल्ली भी लगा सकते हैं। इस तरीके से तिल्ली लगा के भी हम इसको फ्राई कर सकते हैं। ये मैंने इस तरीके से तिल्ली लगा ली है, अब हम इसको फ्राई करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी कबाब बनते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने बची हुई दाल से ये कबाब बनाए हैं। टर्न कर देंगे इसे, दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी करना है। दोनों ही साइड से माशाल्लाह ये अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। इस कबाब पर अब हम चाट मसाला डालेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी हमारे कबाब तैयार है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट्स करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।